प्रथम तहलका न्यूज। अस्पताल के बिस्तर पर लेटा नजर आ रहा ये फ्रैक्चर गैंग का सरगना कुलभूषण है। बता दें कि कुलभूषण पर फरीदाबाद में अलग अलग थानों में 10 मामले दर्ज हैं। दरअसल कुलभूषण अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों की सुपारी लेता था और फिर बुरी तरह से उनके हाथ पैर तोड़ देता था और इसी के चलते इस गैंग का नाम फ्रैक्चर गैंग पड़ा था और फ्रैक्चर गैंग के नाम से फरीदाबाद के लोगों में दहशत फैलाने का काम ये गैंग कर रही थी। पुलिस ने इस गैंग के बाकी लोगों को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था लेकिन कुलभूषण फरार चल रहा था। पुलिस की तरफ से इस पर 2 लाख का इनाम घोषित किया गया था। वही मामले में SP आदर्श ने कहा कि फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुलभूषण सूरजकुंड रोड के रास्ते फरीदाबाद आने वाला है, जिस पर पुलिस ने नाकेबंदी की और इस दौरान इसकी गाड़ी को देखकर पुलिस ने इसे अपने आप को पुलिस के हवाले करने को कहा तो इसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई और आरोपी के दोनों पांव में गोली लग गई, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया और अब उसे फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। एक कुलभूषण है जो यहां पे फ्रैक्चर गैंग का सरगना है और 2 लाख का इसमें नाम था। कल इसको क्राइम ब्रांच फरीदाबाद ने सूरजकुंड एरिया से पकड़ लिया। ये कल इसके भतीजे का 3-4 दिन पहले मर्डर हो गया था, तो ये यहाँ पर रेकी करने आया था, इन्फॉर्मेशन लेने आया था कि उसके मर्डर के पीछे कहीं इसका ऑपोजिट गैंग का हाथ तो नहीं है। तो इस ये इन्फॉर्मेशन मिलते क्राइम ब्रांच फरीदाबाद सूरजकुंड एरिया में गई और इसको सरेंडर करने को बोला था, इसने हमारे पे फायरिंग करी। फायरिंग में इस क्राइम ब्रांच फरीदाबाद ने भी जवाबी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी। इसको बाद में BK हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, उसको वहाँ इसका उपचार चल रहा है। क्या पुलिस भी कोई घायल हुआ है? पुलिस के एक इंस्पेक्टर को चोट लगी है पर उसको कोई गोली नहीं लगी, वैसे चोट लगी है उसको। तो ये जो बदमाश है ये कौन से गैंग से ताल्लुक रखता था और कितने इसमें जो है टोटल लोग थे? ये फ्रैक्चर गैंग से का सरगना था, इसमें करीब 9 थे, 9 में से 8 को पहले गिरफ्तार कर चुका है फरीदाबाद पुलिस, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर गिरफ्तार कर चुकी है। अभी 15 दिन पहले ही 2 50,000 के इनामी भी इसी गैंग के गिरफ्तार किए हैं। इसको गिरफ्तार करने के बाद फ्रैक्चर गैंग के सारे जो गैंग मेंबर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसके ऊपर कितना नाम था और क्या माने क्या फ्रैक्चर गैंग खत्म हो गया? इसके 2 लाख का इस पे नाम था और आप ये मान सकते हो कि जितना भी फ्रैक्चर गैंग है सब गिरफ्तार करके जेल के पीछे डाल दिया गया है और फरीदाबाद को फ्रैक्चर गैंग से मुक्त समझा गया। अभी पुलिस फिलहाल क्या कर रही है? पुलिस अभी इसका उपचार करवा रही है, उसके बाद इससे पूछताछ की जाएगी और कोई अवैध हथियार या और भी गैंग मेंबर्स हैं या और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो क्या अभी भी कोई हथियार बरामद किए? इससे 2 पिस्टल बरामद हुए हैं बाकी और गाड़ी भी बरामद हुई है, उसके अलावा भी और भी इससे उम्मीद है बरामद होने की। तो हालांकि कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद पुलिस शहर में फ्रैक्चर गैंग के खत्म होने का दावा कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि मामले में आरोपी से पूछताछ के दौरान और क्या क्या खुलासे होते हैं। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।